हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम टैली प्राइम की। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हम क्रेडिटर पार्टी का ही लेजर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रेस करता हूँ, देखते हैं हमने क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाया नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी क्रेडिटर पार्टियां हैं, लाइक ये भी है और यहाँ पर ये भी है। तो ये राजू सी करके जो है ये क्रेडिटर पार्टी है, तो इसी का लेजर हम लगा लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें बनाना है परचेज अकाउंट का लेजर। तो ये मैंने लिखा परचेज और फिर लिखा अकाउंट और फिर मैंने एंटर प्रेस किया। और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिखा रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन जब हम इसको लगाने जाते हैं, अप्लाई करने जाते हैं इस लेजर को, तो यहाँ पे हमें लेजर शो ही नहीं होता है। कुछ ऐसी दिक्कत आपको भी आई होगी शायद, तो आज इसी का सोल्यूशन देने वाला हूँ टैली प्राइम में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लेजर को अल्टर करके चेक कर लीजिए, जो आपने परचेस का लेजर बनाया उसी में आपने गलती की है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलते हैं, परचेस के लेजर में ही हमें दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर अल्टर में जाकर के और फिर लेजर्स में जाकर के और एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजों का लेजर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, परचेस के लेजर पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए, ये परचेस अकाउंट का लेजर बना हुआ है और ये दो दो लेजर बने हुए हैं, हमें तो एक ही लेजर की जरूरत है एक कंपनी में। यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो ग्रुप है वो लोन एंड एडवांस दिया गया है, ये देख सकते हैं, ये लोन एंड एडवांस का ग्रुप है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि परचेस का जो लेजर बनता है वो लोन एंड एडवांस में नहीं होता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये जो परचेस का लेजर हमने बनाया इसको हम डिलीट कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरा वाला लेजर देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या गलती की थी हमने। तो ये परचेस अकाउंट है और यहाँ पर भी हमने ग्रुप रख दिया लोन एंड एडवांस, जिसके चलते ये हमारी एंट्री पास नहीं हो पा रही है। ये लेजर डिलीट करना होगा और फिर हम आगे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं और उस लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं जो लेजर हमने बनाया था। तो यहाँ से मैं परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अल्ट डी प्रेस करते हैं डिलीट करने के लिए। तो ये लेजर हमने डिलीट कर दिया और फिर या तो हम उसमें सुधार कर ले या तो डिलीट कर ले। और इस लेजर को मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन इस लेजर में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे थोड़ा सा, इसमें देखेंगे कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे और एंटरप्रेस करके इसको लगा लेंगे। एंटरप्रेस करेंगे और इसको भी एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अब जब हम एंट्री पास करने जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये परचेज में आए, यहाँ पे लगाया हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर और यहाँ पर आएगी क्रेडिटर पार्टी। तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर इंसर्ट करा दिया इसमें और एंटरप्रेस करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इसका लेजर लगा लेंगे। तो भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक आइटम हम परचेस कर लेते हैं, लाइक ये कीबोर्ड है तो लोकेशन यहाँ से चूज कर लेते हैं। लाइक मैंने गोडाउन बना रखा है तो निकोलनी गोडाउन में 50 आइटम हम परचेस करके रख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, एंटरप्रेस किया। फिलहाल हम इसमें ना तो वैट लगा रहे हैं ना तो जीएसटी लगा रहे हैं। लेजर को लेकर के ये वीडियो थी। तो आई होप कि ये दिक्कत, अगर ऐसी दिक्कत आपको भी आ रही है तो ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका, आप इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी दिक्कत हो लेजर्स में तो आप यहाँ अल्टर पे जाकर के उसको जरूर चेक करिए, जिस तरह से मैंने चेक किया, ठीक है। आई होप कि बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।